तो हाँ, मेरे साथ एक स्कैम हुआ है और कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, तो सुन लेना क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। और हाँ, ये वीडियो सभी आर्टिस्ट के लिए, सिर्फ स्केच आर्टिस्ट के लिए नहीं, सभी क्रिएटर, सभी आर्टिस्ट, हर टाइप के आर्टिस्ट के लिए ये वीडियो है जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे स्कैम हो रहे हैं। सो इस वीडियो को जरूर देखना। सो जस्ट इमेजिन, एक लड़का है जो अभी अभी काम करना, जिसने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया, वो स्केच बनाता है काफ़ी मेहनत से और उसे कमीशन वर्क नहीं मिलते, लेकिन उसके आसपास के जो आर्टिस्ट हैं जिनको वो फॉलो करता है वो काफ़ी ज़्यादा स्केच बनाते हैं, उन्हें कमीशन वर्क मिलता है, वो अर्न करते हैं उससे, लेकिन उसे काफ़ी टाइम से कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा। लेकिन उसे अचानक से एक दिन एक मैसेज आता है, वो भी एक इंडियन आर्मी से, जो कि बोलता है कि मैं इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ और मुझे आपका काम अच्छा लगा, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा और मैं आपसे स्केच बनवाना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे अपना प्राइस बता दो। तो वो लड़का जिसको काफ़ी टाइम से स्केच के ऑर्डर नहीं मिले हैं, वो फटाफट उसे प्राइस लिस्ट बताएगा और जैसे जैसे वो बोलेगा वो वैसे करेगा, क्योंकि उसे काम चाहिए, उसे कमीशन वर्क चाहिए, ताकि वो भी अपने लिए नए आर्ट सप्लाईज खरीद सके, नया आर्ट मटेरियल खरीद सके। तो क्योंकि उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उसे काम की बहुत ज़्यादा नीड है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उससे कमीशन वर्क चाहिए, स्पेशली जब वो कोई इंडियन आर्मी की तरफ से मैसेज आए और वो उसे बोले कि मुझे एक स्केच नहीं, मुझे दो स्केच चाहिए, वो भी बड़े वाले साइज पे, और इसके बाद मुझे अपने सर का, फ्रेंड्स का भी स्केच बनवाना है, अपनी वाइफ का स्केच बनाना है इसके बाद, लेकिन पहले आप मुझे ये दो स्केच बना के भेज दो। सो जो बंदा इंडियन आर्मी से बात कर रहा है उससे, वो उसे बोले है कि मैं पेमेंट आपको करूँगा, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से पेमेंट करने का तरीका कुछ अलग होता है, तो मैं अपने सर से बात करवाता हूँ आपकी, क्योंकि हमारे ऑफिस से पेमेंट होगी और वो आपको पेमेंट करेंगे। तो जिस लड़के को काफ़ी टाइम से कमीशन वर्क नहीं मिले वो खुश तो होगा, लेकिन उसे हल्का सा डाउट आएगा, लेकिन वो उसे इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि उसे 3-4 वर्क मिल रहे हैं और इन फ्यूचर में भी उसने उसे बोला है कि मैं और काम भी तुम्हें दूंगा अगर मुझे ये पसंद आए तो, और उसे काफ़ी ज़्यादा नीड है वर्क की, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। और ये जो सारी बात है ये व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू होती है, जिससे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिससे आप ट्रैक नहीं कर सकते, तो ये सारी बात उसके थ्रू होती है। और तभी उसी आर्मी वाले बंदे का मुझे कॉल आता है कि पेमेंट मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन हमारे ऑफिस से होगी, क्योंकि इंडियन आर्मी का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है पेमेंट का, क्योंकि हमारे ऑफिस से होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी ड्यूटी पर हूँ, तो मैं अपने सर से आपकी बात कराऊंगा, अभी उनकी कॉल आएगी आपको, आप उनसे बात करना और पेमेंट आप उनके थ्रू हो जाएगी, ठीक है, आपकी पेमेंट उनके थ्रू हो जाएगी। सो थोड़ी देर बाद आर्टिस्ट को एक फ़ोन आता है जो कि इंडियन आर्मी से जो बात करता है उसके बॉस का होता है, और वो उससे बात करता है कि मुझे फलाने बंदे ने आपका नंबर दिया है और पेमेंट की बात आपसे करनी थी, और आपका पेटीएम नंबर आप प्लीज़ बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। तो आर्टिस्ट फटाफट एक्साइटमेंट में उसे अपना नंबर बता देता है और अपना नाम बता देता है, और उसके बाद जो सामने से जो बॉस बात कर रहा है वो उसे क्या बोलेगा ट्रस्ट जीतने के लिए, कि मैं आपको पहले 1 रुपया सेंड करूंगा ताकि हमें पता लग जाए कि ट्रांसफ़र पैसे हो रहे हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी पेमेंट सेंड करूंगा, जिससे उस आर्टिस्ट को ट्रस्ट हो जाता है कि बंदा सही है, पहले 1 रुपया भेज के टेस्ट कर रहा है, उसके बाद पूरी पेमेंट भेजेगा ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो। लेकिन ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ उसका ट्रस्ट गेन करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है ओके ठीक है, सामने से बॉस बोलता है कि आप प्लीज़ अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैंने आपको पेमेंट किया 1 रुपया। सो आर्टिस्ट तो बोलता है कि मुझे तो अभी तक 1 रुपया नहीं आया, लेकिन तो सामने वाला बंदा बोलता है कि आप प्लीज़ अपना एक बार व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैंने आपको कुछ भेजा है। सो जैसे ही वो व्हाट्सएप को ऑन करेगा और उस पर जो स्कैनर उसने बॉस ने भेजा हुआ, उसके नीचे सिर्फ 1 रुपीज़ लिखा हुआ है, और वो बोलेगा हाँ जी अब आप पेटीएम में आ जाइए, ये हमारा मिलिट्री का तरीका है कि हम इस तरीके से इंडियन आर्मी पेमेंट करती है। तो जो बच्चा है जिसको अब आर्टिस्ट है जिसको अभी तक ज़्यादा नॉलेज नहीं है, काफ़ी टाइम से ऑर्डर नहीं आया, वो इस चीज़ को इग्नोर करेगा और जैसे वो बंदा बोल रहा है वो उसकी बात मानेगा, वो पेटीएम में आएगा, उसके बाद वो बोले कि आपको पे एंड स्कैन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस पर प्लीज़ क्लिक कीजिए। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा वो कहेंगे आप प्लीज़ फ़ोटो में से उस स्कैनर को सिलेक्ट कीजिए और उस स्कैनर को स्कैन कीजिए। तो जैसे ही वो स्कैनर को स्कैन करेगा वैसे ही उसका सारा अकाउंट साफ हो जाएगा, खाली हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा उसके साथ। तो जो भी उसके अकाउंट में पैसे थे वो सब पैसे उस स्कैमर के पास चले जाएंगे, क्योंकि उसने एक गलत QR कोड भेजा था जिसको उस आर्टिस्ट ने स्कैन किया। हाँ, ये स्कैम मेरे साथ हुआ था।
ये जस्ट मैंने आपको एक स्टोरी समझाई ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि एक बिगनर आर्टिस्ट कैसे फंस सकता है ऑर्डर लेने के चक्कर में, बिकॉज उसे काफ़ी टाइम से ऑर्डर नहीं मिला है, उसे कमीशन वर्क की ज़रूरत है और वो भी कमीशन वर्क लेना चाहता है, तो वो इस स्कैम में फंस सकता है। तो इसलिए ये वीडियो मेरे लिए बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि कोई भी आपके जैसा बिगनर आर्टिस्ट उस स्कैम में ना फंसे। तो मैं तो बच गया, ऐसे स्कैम आपके साथ भी हो सकते हैं, बिकॉज मेरे पास ऐसा स्कैमर आया था बट मुझे इसके बारे में पता था कि ऐसे स्कैम्स होते हैं, तो मैंने तो अपना बचाव कर लिया, लेकिन मेरे 50,000 अकाउंट में थे, भाई के पैसे थे, वो सारे उड़ जाते अगर मैं कर देता तो, बट मैं बच गया और मेरे पैसे भी बच गए। आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ कभी भी किसी के QR कोड को स्कैन मत करना ऑनलाइन। अगर आपको पेमेंट लेनी है किसी से, आप उनको सिर्फ अपना नंबर देना, किसी को अगर आपको पैसे सेंड करने हैं तो उसको QR कोड की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके नंबर पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है पैसे, और आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे सामने वाले ने पे करने हैं, वो स्कैन करेगा, आप नहीं करोगे। अगर उसको कुछ स्कैन करना है तो वो सामने वाला करेगा, जिसको पे करना है वो स्कैन कर सकता है। आपको पैसे लेने हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना नंबर देना है उनको, वो अपने आप पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ स्कैम में मत फंसना। और एक स्कैम के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आईडीज़ हैक हो रही हैं, आपने देखा होगा काफ़ी स्टोरीज़ पे अपने फ्रेंड्स वगैरह की, वो एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि मुझे इतने पैसे मिल रहे, 10,000 इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, इसका मतलब वो आईडी हैक हो चुकी है। और प्लीज़ ऐसी आईडी से बच के रहो और अपने अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल आईडी पे टू फैक्टर वेरिफिकेशन जरूर कर लेना, बिकॉज अगर आपने वो की होगी तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा, अगर आपने वो नहीं की तो आपका अकाउंट कोई हैक कर सकता है। और किसी भी लिंक पे क्लिक मत करना जो HTTP के साथ आते हैं, अगर HTTPS है लिंक के अंदर तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो, वो सिक्योर है, S का मतलब होता है सिक्योर, तो अगर HTTPS है, बिकॉज हर एक लिंक के आगे HTTPS होता है, अगर उसके अंदर S नहीं है इसका मतलब वो लिंक सिक्योर नहीं है। सो इसी के साथ सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पर। सो अगर आपने आज वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ, और प्यार सा कमेंट जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे से मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सो ये वीडियोस बाकी वीडियो जैसी नहीं है, इस वीडियो से आप किसकी हेल्प कर सकते हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो स्कैम से बच सकें और सतर्क रहें।